अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुल्तानी स्टूडियो 007। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो एप्लीकेशन हम सोया लाइव एप्लीकेशन के मतलब बात करने वाले हैं कि सोया लाइव एप्लीकेशन से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ से होस्टिंग करके अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे एजेंसी लेके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे जो लोग अब से ज्वाइन हो गए वो लोग बन जाएंगे, यहाँ से अर्निंग इतनी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर चीज की स्टेप बाय स्टेप हर चीज की समझ आ जाए और आपको यहाँ पे टेंशन नहीं हो। एजेंसी रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होंगे। एक मेथड होगा आपने अपनी आईडी सोया की आईडी जो है वो मुझे व्हाट्सअप करनी होगी एजेंसी ओपन करने के लिए, और दूसरा मेथड है आपने खुद सेल्फ क्रिएट एजेंसी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने कैसे क्रिएट करनी है और कहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा वो आपको आगे चल के वीडियो पे आगे चल के आपको बताता हूँ। और इसके बाद आप होस्टिंग करके कैसे अपनी जो अर्निंग वो इंक्रीज कर सकते हैं वो भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और बेल आइकॉन को लाजमी ऑन कर लिया करें ताकि ऐसी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जाके हम देखते हैं कि एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है और कैसे हम वहां से अर्निंग कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आपको बताता हूँ और वहां पे आप लोगों को समझाता भी हूँ और इसके मतलब और पॉलिसी का जो है वो भी आपको मिल जाएगी। पॉलिसी आपको कहाँ पे मिलेगी वो भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कैसे एप्लीकेशन पे वर्क करना है। तो सोया एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, सोया एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आपने आईडी कैसे क्रिएट करनी है, आपने कैसे यहाँ पे रजिस्टर करना है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी आईडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, फेसबुक, गूगल और उसके बाद यहाँ पे तीसरा फोन नंबर। आप जिसके साथ चाहें अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने गूगल के साथ की हुई है तो मैं गूगल के साथ ही लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने अपनी आईडी यहां पे लॉग है। आईडी लॉगिन करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। यहां पे मैंने आईडी अपनी ओपन कर रखी है। तो यहां पे देखिए आपको यहां पे देखने को मिलेंगे कि ओनली फिलीपींस और अदर कंट्री यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज जो है उनसे आपको बहुत कम यहाँ पे देखने को लोग मिलेंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे अभी से वर्क करने का ये बेनिफिट होगा कि आप के सामने जो है आप यहाँ पे अपने सब एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अपना अच्छा खासा अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे होस्ट को डेली रिवार्ड है, हॉर्ली रिवार्ड है और रैंकिंग रिवार्ड है और एजेंसी को यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो एजेंसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आ रहे हैं। होस्टों के साथ साथ एजेंसी को बेनिफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंसी कैसे रजिस्टर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने जस्ट न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। आपने यहाँ से अपना ये वाला आईडी जो है मुझे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है, आपने मुझे इनबॉक्स सेंड कर देना है। एक ये मेथड हो गया। और होस्ट को आपने कैसे इन्वाइट करना है, एजेंसी पे क्लिक करते हैं। एजेंसी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इन्वाइट होस्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इन्वाइट होस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है कॉपी लिंक का। ठीक है, आपने ये वाला लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने होस्टों को सेंड कर देना है। ठीक है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा होस्टिंग लिंक, आपने कैसे होस्टिंग वहां से ज्वाइन करनी है। ठीक है, और जो एजेंसी है, आप अगर किसी को एजेंसी देना चाहते हैं, आपने एजेंसी फॉर एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, वो आप कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके भी दो मेथड्स हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स पे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपने जैसे ही यहाँ से आपने एक तो आप आईडी सेंड करेंगे, देन उसके बाद दूसरा तरीका जो है आप खुद अपनी एजेंसी कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने जस्ट क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओपन करने के बाद गूगल को सर्च किया, यहाँ पे आपने टाइप करना है लर्न विद फहद सुल्तानी 07.blogspot.com। ठीक है, ये आपने सर्च करना है तो आपके सामने पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, टेक्निकल फहद के नाम से, और यहाँ पे नीचे हमारा जो है फेसबुक का
अकाउंट जो है वो भी मेंशन हुआ हुआ है, और उसके बाद एफएबी सपोर्ट हमारे पेंट्रेस्ट का और एफएबी सपोर्ट पे भी यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देन इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा सोया लाइव एप्लीकेशन का ये वाला जो आपके सामने आर्टिकल आएगा, आपने इस आर्टिकल को यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, इस आर्टिकल के पे आपने जैसे ही क्लिक करना है, आर्टिकल हो सकता है कोई एड आपके सामने चल जाए, छाना नहीं, आपने बैक कर लेना है, आपने अगेन से इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पोस्ट को ओपन करते हैं, इस पोस्ट को ओपन करने के बाद आपने इसको स्लाइड अप करते जाना है। ठीक है, आपने स्लाइड अप करना है। स्लाइड अप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबसे एंड पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे एजेंसी रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपने इन तीनों में से कोई एक होगा, आपने बारी बारी क्लिक करके चेक कर लेना है, आपका जो एजेंसी लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो एजेंसी लिंक आपका कैसे आपके सामने शो होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका एजेंसी लिंक जो होता है वो आपका कैसे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, करके देखता हूँ लिंक को। ये तो होस्टिंग का लिंक था जो ओपन हो गया। ये देखिए, ऐसा आपके सामने अप्लाई टू बिकम एजेंट ऐसे आपके सामने शो होगा। तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम डालना है, उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से कंट्री लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आपने यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर हो। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे, मैं मेल का देता हूँ, यहाँ पे आपने अपना एजेंसी नेम जो है वो राइट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे एक मसला आ जाता है, बाज़ुकात जो है कंट्री सिलेक्ट नहीं होता, आपने कोई भी और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने देन जो आपका कंट्री होगा आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर टाइप करना है। फोन नंबर टाइप करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे लाके इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड पे आप क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट ऐप जो है वो उठा के ले जाएगा प्ले स्टोर में। ठीक है, जैसे मेरे सामने शो हो गया। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने सेम मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने एजेंसी रजिस्टर की है ना, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर से आपने लॉग इन वहां पे आईडी कर लेनी है। तो आपके सामने आपकी आईडी एजेंसी जो है वो शो हो जाएगी लाइक इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है होस्टों को ऐड करने के लिए एजेंसी पे क्लिक करेंगे। एजेंसी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा इनवाइट होस्ट वाला। इनवाइट होस्ट वाला ऑप्शन से यहाँ से आप कॉपी करेंगे कोड, कॉपी करके आप अपने होस्टों को सेंड कर देंगे तो वो होस्टिंग जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। देन इसके बाद अगर आप किसी को एजेंसी देना चाह रहे हैं, ठीक है, एजेंसी देने के लिए सब एजेंट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आके अपने एजेंट की आईडी पुट करनी है और उसको इनवाइट कर देना है, तो उसके पास इनविटेशन चला जाएगा, उसको बोलना है कि आप जो है अपना इनविटेशन एक्सेप्ट करें आपका, तो वो एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी सब चीजों की, और पॉलिसी इसकी भी मैं वहां पे वेबसाइट पे दे दूंगा, आप वहां से पॉलिसी भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।